नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हमदेव सलगैर, आप सभी का ट्रिक्स अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप डिजी लॉकर ऐप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं यह बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों सरकार का एक ऐसा बेस्ट ऐप है जिसके माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटल रूप में इस ऐप के अंदर रख सकते हैं। दरअसल मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया और आपसे पूछा कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, लेकिन उस समय आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उस समय डिजी लॉकर ऐप आपके काम आ सकता है, क्योंकि यह ऐप सरकार की ओर से मान्य है और आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस शानदार की ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से डिजी लॉकर ऐप को इंस्टॉल करना है। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे इस ऐप में जो भी सुविधाएं मिलती है आपके सामने नज़र आएगी, जैसे कि कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, एसएससी मार्कशीट, एचएससी मार्कशीट, इस तरीके से। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अगर आपका डिजी लॉकर का अकाउंट पहले से ही बना हुआ है तो यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने डिजी लॉकर का अकाउंट बनाने का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डालना है, जो भी आपका आधार कार्ड पर अपना नाम है वही यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे अपना बर्थ डेट डालेंगे। इसके बाद आप अपना जेंडर चूज करेंगे। देन आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड डालना है जो कि 6 डिजिट का हो, और इस पासवर्ड को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इसके बाद आप अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे। यह सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उसको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपको अपना एक डिजी लॉकर का यूजर नेम डालना है, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। इसके बाद सबमिट करना है। आपके सामने डिजी लॉकर का होम पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस ऐप में जो कोई भी सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पे दिख जाएंगी। चलिए हम इश्यूड डॉक्यूमेंट पर चलते हैं। इसके बाद आपके सामने जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऐड किया है वह सारे आपके सामने नज़र आएंगे। जैसे कि मैं आधार कार्ड ऐड कर चुका हूँ, इसलिए मुझे आधार कार्ड दिखाई दे रहा है। अगर आपको और भी डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं तो यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मैं पैन कार्ड ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सर्च करूँगा यहाँ पे इनकम टैक्स। अगर आपको भी पैन कार्ड ऐड करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है, पैन वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और अपना पैन कार्ड नंबर डालना है यहाँ पे। इसके बाद आप अपना नेम डालेंगे, जो भी पैन कार्ड पर नेम है वहाँ यहाँ पर टाइप करना है, और देन आपको गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका पैन कार्ड ऐड हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने अपना पैन कार्ड आ जाएगा। चलिए मैं एक और डॉक्यूमेंट ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं 12th का बोर्ड सर्टिफिकेट ऐड करके दिखाता हूँ, HSC। चलिए मैं मेरा बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे ईयर डालना है, जिस ईयर में आपने पास आउट किया है। देन आपको यहाँ पे सीट नंबर डालना है, एग्ज़ाम आपने किस मंथ में पास आउट किया था मंथ डालना है। देन आपको टोटल मार्क्स ऐड करने हैं और फाइनली आपको गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट इसमें ऐड हो जाएगा। आप जो कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद थोड़ी सी आपको डिटेल देनी होती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट ऐड किया जाएगा। आप इस एप्लीकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं वह सरकार की तरफ से मान्य किया जाता है और कहीं पर भी आप इसे आराम से लीगल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस ऐप को अपनी सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं या फिर एक पिन रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग में जाना है और यहाँ पर सेट MPIN पिन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी अपना पिन रखना है दोबारा एंटर करना और आपका पिन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि डिजी लॉकर ऐप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए स्टे कनेक्टेड।